नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैं एक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अन अकेडमी और रेफरेंस प्रोग्राम के बारे में। अन अकेडमी पे रिफर भी किया जाता है। रेफरेंस कोई नया वर्ड नहीं है, रेफरेंस वर्ड को हम पहले से जानते हैं। जब भी हम अपनी जॉब की एप्लीकेशन करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, तो वहाँ पर लास्ट कॉलम रहते हैं रेफरेंस। अगर मैं आपको ऐसे भी कहूं कि जब भी हम लोन के लिए या कोई भी बैंक की कागजात के लिए काम करते हैं तो वहां पर भी एक नाम रहता है गारंटर। तो ये कुछ ऐसी ही प्रोसेस है जहां पर बैंक की प्रोसेस में जैसे गारंटर का नाम लिया जाता है या फिर जब जॉब की प्रोसेस में रेफरेंस का नाम लिया जाता है। एक किस्सा मैं समझाता हूँ आपको कि रेफरेंस की जरूरत क्यों होती है। जैसे कि मैं एक रैंडम कैंडिडेट हूँ जो अप्लाई करना चाहता हूँ अनअकैडमी पर। मैंने अनअकैडमी को अपने मार्कशीट भी दिए, अपनी अचीवमेंट्स भी लिखी और बहुत सारी चीज़ें जो गूगल फॉर्म में मांगी जाती है वो मैंने उनको दी। अब अनअकैडमी के पास वही एक रेफरेंस है, यानी वही एक पीस ऑफ पेपर है जिससे वो मुझे जान सकते हैं। मगर अगर कोई और भी मेरा रेफरेंस दे देता है वहाँ पर अनअकैडमी पे, तो ये एक श्योरिटी बढ़ जाती है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें सही हैं। तो इसलिए रेफरेंस से अगर आप अंदर जाते हैं अनअकैडमी पे तो चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। अब बात करते हैं कि फ़ायदे क्या है। तो मैंने एक फ़ायदा तो आपको बता दिया, क्यों करना रेफरल, रेफरल करने के पीछे वजह क्या है। तो रेफरल करने के पीछे दोनों को फायदे हैं, जो रिफर कर रहा है उसको भी फायदा है, जो रिफर हो रहा है उसको भी फायदा है। कैसे समझते हैं। जो रिफर हो रहा है, जो कैंडिडेट का अभी रेफरेंस होना है, उसको फायदा ये है, नंबर वन, कि जो भी वो डेटा अंदर डाल रहे हैं उसको एक ऑथेंटिकेट करने वाला बंदा बढ़ जाता है, उसको एक ऑथेंटिकेट करने वाली पर्सन, पर्सनालिटी बढ़ जाती है, कि जो भी आप लिख रहे हैं फॉर्म में उसको आपके अलावा कोई और भी जानता है, तो एक श्योरिटी बढ़ जाती है। फायदा नंबर टू, आपकी ऑथेंटिसिटी की वजह से आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको सहूलियत मिलती है, क्योंकि ज़्यादा लोग आपको जानते हैं तो बाय डिफॉल्ट सहूलियत भी मिलेगी। क्यों मिलेगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ, सिलेक्शन इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो रिफर कर रहा है उसे क्या फ़ायदा होगा। जो रिफर कर रहा है उसे फ़ायदा इस तरीके से है कि कल सुबह अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं अनअकैडमी पे, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिलता है अनअकैडमी से, स्टूडेंट से, और आप छा जाते हैं अनअकैडमी पे, तो क्या होगा कि रेफरल तो आपका रेफरल तो किसी और ने किया था, और अनअकैडमी का तो हमें पता है कि वो गिफ्ट देने में बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों को गिफ्ट देके प्राइज करती है, और भी ऐसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट लाने के लिए उनको भी हो सकता है कि उनको भी फ्यूचर में कोई गिफ्ट मिले। तो जिन्होंने रेफर किया है उनको भी गिफ्ट मिलने के चांसेस है अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो। मगर आपका फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा है ऑथेंटिसिटी एंड सिलेक्शन में इजीनेस। अब कौन करेगा ये रेफर, किससे हम रेफर करवाएं, ये क्वेश्चन आता है। वैलिड भी है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया है अनअकैडमी पे, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया है और अनअकैडमी से उनको मैसेज आया है कि आप दूसरे लोगों को रिफर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो स्टार एजुकेटर बन चुके हैं और अनअकैडमी से उनको मैसेज आया है कि वो दूसरे लोगों को रिफर कर सकते हैं, वैसे लोग आपको रिफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ पर।
तो फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर यूट्यूबर हैं जिनके गूगल फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं, जिनको ये मैसेज आ चुका है। आप उनसे पर्सनली कमेंट में जाके पूछ सकते हैं कि क्या सर क्या मैडम आप मुझे रेफर कर देंगे। अच्छा चलो ये तो हो गई एक बात। अब अगर आपको ये भी प्रोसेस नहीं फॉलो करनी है तो सही में क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए या किस तरीके से आपको अपने रेफरल लेने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रेफर उनसे ही करवाइए जो आपके फील्ड के हैं, जो आपके फील्ड के हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गेट के लिए पढ़ाना चाहता हूँ अनअकैडमी पे, तो मुझे रेफरल चाहिए था, तो मैंने किस तरीके से रेफरल फाइंड आउट करना या किया। मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे गया, वहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी में कौन कौन लोग अभी लाइव क्लास ले रहे हैं उनको देखा, उनमें से जो भी मुझे टॉपिक अच्छे लगे उनके लाइव क्लास के अंदर मैं बैठ गया, उनके लाइव क्लास के अंदर मैं बैठ गया, फ्री लाइव क्लास के अंदर। जैसे ही मैंने थोड़े से क्वेश्चन के आंसर दिए तो वो एक क्लास, फिर दो क्लास, फिर तीन क्लास, जैसे मैंने क्लास में उनका अटेंड करता गया तो मेरी और उनकी बॉन्डिंग होती गई। और एक टाइम आया कि मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप मुझे रिफ़र करोगे या नहीं करोगे, तो उनका बहुत ही इजीनेस से जो नाम होगा, अगर आपको नाम मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, वो नाम को आपको सर्च करना है, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आराम से, वो जो भी सर हैं या मैडम हैं वो मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनका नाम तो आपको वो सर या मैडम उसके फ़ोटो के साथ मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है, आपको कोई भी अनअकैडमी पे जो पढ़ा रहा है या जिनका गूगल फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है उनसे आप रिफ़र करवा सकते हैं। जैसे ही आप रिफ़र करवाएंगे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे कोई ऐसा नहीं है कि आप रिफ़र करवाएंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स रिजेक्शन तो हो ही सकता है, सभी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मगर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आप समझ चुके हैं मेरे एग्जांपल से। अब ये प्रोसेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या डेटा देने होंगे और क्या डेटा अनअकैडमी मांगती है, ये प्रोसेस कैसे होती है। तो ये प्रोसेस में गूगल फॉर्म में अगर आप कैंडिडेट हैं तो गूगल फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो उसका पेज नंबर 2, जैसे ही आप फर्स्ट पेज में पूरी डिटेल डाल देंगे जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, उसके जब आप सेकंड पेज पे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे जब आप, तो सेकंड पेज पे आएंगे तो सेकंड पेज पे आपसे मांगा जाएगा कि आपको किसी ने रिफ़र किया है, अगर किया है तो उसका नाम और उसकी लिंक, प्रोफाइल लिंक, जैसे कि हम लिखते हैं ना www.unacademy.com/@, जो भी लिंक है, जिन्होंने आपको रिफ़र किया है उनकी वो लिंक लिखनी रहेगी, नाम और लिंक दोनों लिखना रहेगा। ओके फ्रेंड्स ये तो आप समझ चुके होंगे, जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी भी लिंक वहां पर आप तो डालने ही वाले होंगे, तो समझ जाएंगे कि ये लिंक क्या है। तो दो चीज़ें आपको चाहिए जिनसे आपको रिफ़र करवाना है। आप एक कैंडिडेट हैं, आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया है, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है, जिनके पास अनअकैडमी से मैसेज आ चुका है कि आप रेफ़र कर सकते हैं, वैसे कैंडिडेट से आपको दो डिटेल चाहिए, एक उनका नाम और दूसरा उनकी प्रोफाइल लिंक। तो यूज़र नेम जो भी है उससे पहले आप इतना लिख दीजिए www.unacademy.com@, और फिर पीछे उसका यूज़र नेम। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए। और आपको कौन कौन सी डिटेल देनी रहेगी जो आपको रिफ़र कर रहे हैं उनसे, तो जो भी लोग यहाँ पर रिफ़र कर रहे हैं आपको उनको भी एक गूगल फॉर्म भरना होगा, उनको भी एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा अनअकैडमी को, और उसमें क्या क्या डिटेल आपकी चाहिए एज अ कैंडिडेट। तो आपका एक नाम चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो आप अनअकैडमी के गूगल फॉर्म में फिलअप करने वाले हो, आपका एक ईमेल आईडी चाहिए जो आप अनअकैडमी के गूगल फॉर्म में फिलअप करने वाले हो, और आप कौन सी एग्जामिनेशन
की प्रिपरेशन करवाने वाले हो वो डिटेल चाहिए, जो आप गूगल में गूगल फॉर्म में ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करेंगे। चार डिटेल में फिर से बता देता हूँ आपको, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आप कौन से फील्ड में पढ़ाने वाले हो, वो चार डिटेल चाहिए। उसके साथ में एक क्वेश्चन किया जाता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये कैंडिडेट अनएकेडमी के लिए सूटेबल है। तो आपने जो भी अचीवमेंट का सेक्शन लिखा है ना अपने गूगल फॉर्म में, वो भी आप जिनसे रिफ़र करवा रहे हैं उनको भेज दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि आपका जो गूगल फॉर्म बन रहा है, जैसे ही आप गूगल फॉर्म का फर्स्ट पेज फिलअप कर देते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर वो जो रिफ़र आपको करने वाले हैं उनको भेज दीजिए। उनको आसानी रहेगी पढ़ने में और आपके लिए बातें लिखने में। और आपके पास भी गूगल फॉर्म एक इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, जो इन फ्यूचर अगर आपको कोई क्वेरी आई अनएकेडमी से कि आपके गूगल फॉर्म में ये कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पड़ा होगा कि हाँ मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था जिसमें मैंने ये पूरी डिटेल भरी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि रेफरल कैसे करना है, रेफ़र करने के लिए कहाँ से पर्सन को ढूंढना है और रेफ़र करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। और भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो मुझे नीचे लिख के बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप भी जो रेफ़र कर रहे हैं, जो भी सर या टीचर आपसे रेफ़र कर रहे हैं, उन्होंने जो भी गूगल फॉर्म फिलअप किया है उनका भी स्क्रीनशॉट आपके पास मंगवा लीजिएगा, ताकि आपकी भी डिटेल एक बार क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि हाँ जो डिटेल आपने भेजी है वही उन्होंने फिलअप करके रखी है या नहीं करके रखी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे तरफ से आपके लिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी हो जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।